नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट विपिन कुमार अपनी चैनल रंगीन राह में से आप सभी का स्वागत करता हूं। नए नए दोस्तों का भी स्वागत करता हूं, नए नए हमारे जो भी साथ जुड़े हैं। मेरी फैमिली रंगीन राह बहुत ही बड़ी होने जा रही है। आप लोगों का प्यार है, ऐसा ही प्यार बनाए रखिएगा। दोस्तों, मैं एक्टिंग के रिलेटेड जो भी वीडियोज डालता हूँ वो आपको बहुत ही पसंद आते हैं, आपको बहुत अच्छी गाइडेंस मिलती है। तो दोस्तों, मेरी तमन्ना यही रहेगी कि उसमें से आपको कुछ आगे बढ़े, कोई आगे बढ़े और आपको कुछ फायदा हो, मेरी यही खुशी की बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप डीएम में लिखते हो या तो कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ भी लिखते हो कि मुझे इस सब्जेक्ट पे ये वीडियो चाहिए, तो मैं बनाता हूँ। दोस्तों, ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। आपका होस्ट, आपका दोस्त विपिन कुमार आप सभी का स्वागत करता है। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते। आज का वीडियो बहुत ही खास है। खास इसलिए है कि एंड तक आप देखना। खास इसलिए है कि बहुत से लोगों ने मुझे पूछा है, बहुत से हमारी बहनों ने भी पूछा है जो कि एक्ट्रेस बनने आई है, उन्होंने पूछा है कि क्या खूबसूरत होना जरूरी है या तो क्या कभी खूबसूरत हुए लड़की एक्ट्रेस अच्छी बन सकती है। प्लस एक्ट्रेस और एक्टिंग और खूबसूरती का मेल हो सकता है, ये दोनों का मेल हो गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ खूबसूरती से आपको काम नहीं मिलेगा। एक बार काम मिल जाएगा, दो बार काम मिल जाएगा, लेकिन आगे तो आपको अपनी टैलेंट ही दिखानी पड़ेगी। इसके लिए टैलेंट होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही बार मैंने देखा है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सी पुरानी जो हीरोइने थी, नूतन जी थी, तनुजा थी और बहुत सी हीरोइन जैसे कि खूबसूरत थी, जिन्हें खूबसूरत सही में कहा जाए, क्योंकि खूबसूरती से उन्होंने बहुत अच्छे काम भी किए, लेकिन ये भी है कि उनके पास टैलेंट भी थी। टैलेंट भी इतनी अच्छी थी कि हर कैरेक्टर को वो निभा जाती थी, हर कैरेक्टर को वो खूबसूरती से, इतना खूबसूरती से निभा जाती थी कि हमें लगता था कि खूबसूरती और एक्टिंग का मेल, यानी वो हीरोइन नूतन जी थी, तनुजा जी थी, जीनत अमान थी। जीनत अमान के बारे में मैं ये कहूँगा, जीनत अमान खूबसूरत तो थी, सिर्फ खूबसूरत थी, खूबसूरत तो थी लेकिन एक्टिंग में थोड़े से जरा यहाँ वहाँ होता था, लेकिन उस वक्त उन्होंने जो बोल्ड फिल्म्स की, जो बोल्ड फिल्में की, जो बोल्ड कपड़े पहनती थी, ये वो, उसकी वजह से वो टिकी रही। यानी फिल्म लाइन में टिकने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ यानी, लेकिन आखिर में तो आपकी टैलेंट ही काम आती है, आपके टैलेंट से ही आप आगे बढ़ पाओगे, खूबसूरत कुछ भी हो। ये मैंने जो साइड में जो बताया, जो भी हीरोइनों को बताया और दूसरे हीरो लोग भी बताए, बहुत से हीरो के लड़के जो भी बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत अच्छे थे, हट्टे कट्टे थे, लेकिन एक्टिंग में जो कुछ कर नहीं पाए तो बहुत आगे चल नहीं पाए। जैसे कि राजेंद्र कुमार साहब का लड़का था, उन्होंने भी काम किया था, बहुत अच्छा काम किया, पहली फिल्म सुपर टूपर हिट, उसके बाद कहीं नहीं। क्यों? सिर्फ अपने कुछ बातों से और कुछ व्यवहार से ऐसा हो जाता है, लेकिन आखिर में तो आपकी एक्टिंग ही काम आती है, एक्टिंग ही, एक्शन जो भी करते हो, एक्टिंग करते हो, उसी से ही आप टिके रहते हो। खूबसूरती चलती है, खूबसूरती अच्छा है कि एक मौका देती है, लेकिन उस मौके का फायदा आपको उठाना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यही कहूँगा कि एक्टिंग के बारे में जानिए, एक्टिंग के बारे में जानिए, एक्टिंग के बारे में जानिए। वो तीन बार मैंने क्यों इसलिए कहा कि एक्टिंग के बारे में जो भी आप जानो वो जानते रहिए। नए नए रोज बहुत से आयाम आते हैं, बहुत से इक्विपमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको एक्टिंग में या तो फिर फिल्म के पर्दे पे जब जाओ आप देखते हो तो आपको कैमरामैन का काम क्या होता है, वो आपको इतने अच्छे एंगल से आपको पेश करे कि आप पर्दे पे अच्छे दिखोगे। पर्दे पे तो अच्छे दिखोगे लेकिन उसके बाद आपको क्या करना, सिर्फ खड़ा तो रहना नहीं है। मॉडलिंग होती तो बात अलग है कि वहां पे आपकी खूबसूरती काम आती, लेकिन यहाँ पे आपको एक्टिंग करनी है तो एक्टिंग ही आपको आगे ले जाएगी। दिलीप साहब थे, पुराने राज कपूर साहब थे, देवानंद साहब थे, ये सब एक्टिंग की वजह से आज तक भी है। धर्मेंद्र साहब भी आज तक एक्टिंग की वजह से ही थे। तो दोस्तों, ये जो मैंने नाम दिए, जो भी मैं पीछे दिखा रहा हूँ, उसमें भी आप देखोगे कि बहुत से ऐसे कलाकार थे जिनके पास टैलेंट था, बहुत कुछ टैलेंट था, और ऐसे भी कलाकार मैं बताऊंगा जिनके पास सिर्फ टैलेंट ही है, सिर्फ एक्टिंग ही, एक्टिंग की वजह से आज वो उभर के आया है, इतना उभर के आया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, मैं ये नहीं कहता वो लोग बुरे हैं या देखने में बुरे हैं, लेकिन साधारण से लगने वाले, साधारण से कद काठी वाले भी
आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे बढ़ सकते हैं, वो सिर्फ अपने टैलेंट की वजह से, अपने एक्टिंग की वजह से। राजपाल यादव जो कॉमेडी करता था वो भी साधारण से कदकाठी के थे, लेकिन उनकी एक्टिंग, उनकी कॉमेडी, वही उनको साथ दे रही है। और दोस्तों ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बात तो मैं हमेशा करता हूँ, इसलिए करता हूँ क्योंकि साधारण सा लड़का ना, जिसका बॉलीवुड में कुछ पहचान न कोई, न गॉडफादर, न नथिंग, लेकिन 12-15 साल तक उन्होंने जो मेहनत की है, छोटे 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 रोल करके पब्लिक की नजर में आया, डायरेक्टर की नजर में आया, टैलेंट जहां भी दिखाने का मौका मिले उन्होंने काम किया। बहुत सी बार तो हालांकि मुंबई आए थे तो रहने का भी तो प्रॉब्लम होता था, पैसे का भी प्रॉब्लम होता था, तो बहुत सी बार उन्होंने जूनियर आर्टिस्ट के तौर पे भी क्राउड में भी खड़े रह के काम किया है। तो दोस्तों ये किया है, मतलब उनकी मजबूरी भी थी लेकिन टिके रहने का भी थी, लेकिन ये काम करने से उनमें और जुस्सा आता था, दूसरे दिन सुबह उठ के लड़ने के लिए तैयार हो जाते। तो दोस्तों ऐसा जुस्सा चाहिए, ऐसा जुनून चाहिए जिससे आप आगे बढ़ सकते हो। तो दोस्तों एक्टिंग तो होना जरूरी है, तो इसीलिए जो मेरा टाइटल है आपने देखा होगा कि क्या खूबसूरत होना जरूरी है। खूबसूरत होना तो जरूरी है, खूबसूरत भी होना जरूरी है, नहीं हो बहुत जरूरी नहीं है कि आप खूबसूरत हो तो ही काम चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। आपके पास टैलेंट है आप हो जाओगे, खूबसूरत भी हो जाओगे। तो दोस्तों बहुत से बार बड़े कलाकार जो भी बने हैं अपनी टैलेंट के ऊपर ही बने हैं। नसरुद्दीन साहब जो कि खुद ही बोलते हैं कि मैं तो कुछ खूबसूरत था नहीं लेकिन मैं टैलेंट की वजह से बना। पंकज कपूर जो भी थे वो भी मतलब एक्टिंग के हिसाब से, एक्टिंग के तौर पे, एक्टिंग को एक्टिंग से ही उन्होंने लोहा मनवाया और आज मकाम बनाया है। तो दोस्तों आप ये मत समझिए कि गोरे चट्टे लोग ही वो बन सकते, आप भी बन सकते हो, लीड एक्टर आप भी बन सकते हो, आप में टैलेंट होना चाहिए। तो टैलेंट के पीछे इतनी मेहनत कीजिए, रोज जो भी कुछ पढ़ने मिले एक्टिंग के बारे में वो सब देखिए, पढ़िए, फिल्में देखिए, एक्टिंग देखिए, एक्टिंग में ठहराव लाइए। उससे क्या होगा कि सामने वाला देख के एक शॉट में भी अगर आप दिखोगे तो डायरेक्टर तो उसमें से भी ढूंढ लेगा कि वो लड़का कौन था, एक शॉट के लिए दिखा, लेकिन वो एक शॉट उसमें आप अपनी झलक दिखाइए। जो भी काम मिले करिए, ठीक है। तो दोस्तों और बहनों से भी मैं कहूंगा, ठीक है खूबसूरती होना जरूरी है लेकिन आजकल तो मेकअप से सब कुछ हो जाता है, खूबसूरत दिखाई सकते हो, कैमरा मैन आपको खूबसूरत और बना भी देते, किस एंगल से आप अच्छे लगते हो वो हिसाब से वो लोग कर लेते। तो दोस्तों खूबसूरती को जरा ज्यादा दरकिनार रखिए और एक्टिंग पे ध्यान दीजिए, एक्टिंग अच्छी कीजिए, अपना टैलेंट दिखाइए, आगे बढ़िए। तो दोस्तों जरूरी नहीं कि आप खूबसूरत भी हो, खूबसूरत हो वो प्लस पॉइंट है लेकिन खूबसूरत हो ये जरूरी नहीं। आप में टैलेंट होगा आप आगे बढ़ोगे, इंडस्ट्री में नाम होगा, बॉलीवुड में नाम होगा, नाम होगा तो दान भी होगा। दोस्तों मेहनत कीजिए, भारत माता कीजिए, वंदे मातरम, आई लव यू। दोस्तों एक बार कहूंगा, रंगीन राय को सब्सक्राइब कीजिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे वीडियो से आप लोगों को जैसे मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आगे बढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबाइए, उससे क्या होगा मेरे सब वीडियो आपको देखने मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, आपका दोस्त आपके साथ फिर किसी नए वीडियो में मिलेंगे। गुड नाइट।